Good morning, students. So, today we are going to study common and proper noun. In the last session, we have studied nouns. Nouns क्या होते हैं? हम लोगों ने ये पढ़ा था last video में. And इसमें हम लोग पढ़ेंगे common nouns and proper nouns क्या होते हैं. Okay? So, let us read this to understand what are common nouns and what are proper nouns. So, what is it? I am a boy. My name is Harsh. I love my mother and father. Okay, so the word boy, Harsh, mother and father are names of pupil. So isme boy, mother, father, ye sab logo ke naam hai, pupil ke naam hai, right? Yes. Then next is I have a pet cat. Her name is Bella. She is not afraid of the dog. इसमें the word cat, Bella and dogs are names of animals. ये सब animals के name है. Animals मतलब जानवर. जानवरों के name है. ठीक है. जैसे कि cat ये जानवर हो गया. Bella. Bella किसका नाम है? Cat का नाम है. Right? And dog. Dog क्या होता है? वो एक type का animal ही होता है. So, वो भी एनिमल का नाम है. ओके. यस. नेक्स्ट इज आई लिव इन द सिटी ऑफ दिल्ली. माई स्कूल इज नियर माई हाउस. सो इसमें द सिटी, द वर्ड सिटी, दिल्ली, स्कूल एंड हाउसेस आर नेम ऑफ द प्लेसेस. इसमें जो ये वर्ड्स हैं, दिल्ली, दिल्ली और स्कूल, हाउस, ये सब जो है क्या है? नेम ऑफ द प्लेसेस, जगह के नाम है ना. जैसे दिल्ली है, जगह का नाम हो गया आपका. स्कूल एक हमारी जगह होती है एंड हाउस भी हमारी जगह होता है. ओके. यस. नेक्स्ट इज आई एट टू बनानास फॉर ब्रेकफास्ट. आई यूजुअली हैड अ सैंडविच एंड अ मिल्क शेक. द वर्ड्स बनाना, ब्रेकफास्ट, सैंडविच एंड मिल्क शेक आर नेम ऑफ थिंग्स. ऐसे ही इसमें बनानास, जो बनानास है, ब्रेकफास्ट है, सैंडविच है, ये सब किसके नाम है? थिंग्स के नाम है. राइट? यस. नाउ नेक्स्ट इज द वर्ड्स बॉय, मदर, फादर, कैट, सिटी, स्कूल, हाउस, बनानास, सैंडविच एंड मिल्क शेक आर नेम्स common to all places, animals or things, right? मीन कि ये सब चीजें common है सबकी. मतलब हम लोग जैसे बोल रहे हैं कि dog, तो इसमें हमें ये थोड़ी ना मालूम है कि कौन सा dog है, उस dog का क्या नाम है, ये थोड़ी ना मालूम है. इसलिए हमारा common हुआ. Suppose हम लोगों ने बोला house, तो वो किसका house है, कहाँ पर है, ये सब हमें कुछ नहीं मालूम. तो किसी का भी हाउस हो सकता है. तो अगर कोई भी चीज किसी की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो उसे हम लोग जो है उसका जो नाम होगा वो हम लोग कॉमन नाउन में करेंगे. और अगर उस चीज का पर्टिकुलर नाम है, जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ भी है, मान लीजिए आपका नाम राम है, ठीक है, तो इसमें राम क्या होगा? राम आपका प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि वो प्रॉपरली हमें बता रहा है कि ये एक पर्सन है जिसका नाम है राम. अगर हमें बोला गया कि स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स में तो हमारा कोई भी हो सकता है, वी डोंट नो, इसलिए ये हमारा हो गया कॉमन नाउन. सो लेट अस स्टडी द डेफिनेशन ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन. ओके. ये देखिए, हाँ, हर्ष, बेला, दिल्ली, ये हमारे क्या है? पर्टिकुलर नेम्स है पर्सन के, प्लेसेस के. ओके. सो ये हमारा प्रॉपर नाउन. अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे इनकी, ठीक है. ये देखिए, द वर्ड्स दैट आर कॉमन नेम्स पर्सन, कॉमन नेम्स फॉर पर्सन, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स आर कॉमन नाउन. मतलब जो हमारे लोगों के और एनिमल्स के और थिंग्स के जो भी कॉमन नाउन्स, कॉमन मतलब जो किसी का भी हो सकता है, हमें ये नहीं मालूम वो किसका है. जैसे कि हमारा, हम लोगों ने बोला ऑल द कंट्रीज, तो कंट्रीज क्या हो गया हमारा? कंट्रीज हो गया हमारा कॉमन नाउन. ओके.
अगर हम लोगों ने केवल बोल दिया इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया हमारा, इंडिया इज अवर प्रॉपर नाउन, इंडिया हमारा प्रॉपर नाउन हुआ, क्योंकि इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है। अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह का नाम दिया जाता है तो ये हमारा प्रॉपर होगा। और अगर हमें किसी जैसे कंट्रीज दे दिया या स्टेट्स दे दिया तो ये हमारा हो गया कॉमन नाउन। ओके, सो नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर नाउन। द वर्ड पर्टिकुलर, द वर्ड आर द वर्ड्स दैट आर पर्टिकुलर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। मतलब जो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का, किसी पर्टिकुलर स्टेट का, किसी पर्टिकुलर प्लेस का, पर्टिकुलर एनिमल का, किसी भी पर्टिकुलर थिंग का नाम होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन, राइट? यस। सो सपोज करिए आपको दिया गया, कई सारी स्टेट्स दी गई हैं जिनका नाम, सपोज कि आपको दिया है कोलकाता, ठीक है, इज अ स्टेट, तो इसमें एक प्रॉपर क्या होगा और कॉमन क्या होगा। कोलकाता एक स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट का नाम है, सो कोलकाता हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। एंड स्टेट, स्टेट तो कोई भी हो सकती है, तो स्टेट हमारा क्या हो जाएगा, स्टेट हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। यस, राइट, यस। सो नाउ वी हैव आवर एक्सरसाइज, दैट इज सर्कल द वर्ड्स दैट आर कॉमन नाउन्स। हमें उन वर्ड्स को सर्कल करना है जो कि कॉमन नाउन्स है, कॉमन नाउन, सॉरी, जो कॉमन नाउन नहीं, कॉमन नाउन नहीं है, नहीं होती है जो कॉमन नाउन्स, वो क्या होती हैं, वो प्रॉपर नाउन हो गई। प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीजों का नाम, किसी पर्टिकुलर प्लेस का या पर्सन का या जगह का नाम। ओके, सो फर्स्ट इज वी आर हैविंग बैग, बैट, बिस्किट एंड मायर। बैग कोई भी हो सकता है, बैट भी कोई भी हो सकता है, बिस्किट भी कोई भी हो सकता है। इसमें हमें नाम तो नहीं दिया कि जैसे पार्ले जी बिस्किट है या कोई सिंगल बेड है या डबल बेड है, ये नहीं दिया ना हमें। सो ये हमारे सब कॉमन नाउन है। माया, माया तो एक पर्सन का नेम है ना, सो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन। सो इसको हम लोग सर्कल करेंगे, क्यों, क्योंकि तो हमारा कॉमन नाउन नहीं है। यस, यस, राइट, यस। सो व्हाट इज अवर सेकंड क्वेश्चन, कप, प्लेट, चाइना, स्पून। अब इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है और क्या प्रॉपर है इसमें। जो हमारा कॉमन नहीं है वी हैव टू सर्कल दैट। सो कप, कप कोई भी हो सकता है, प्लेट, प्लेट भी कोई भी हो सकती है, चाइना, चाइना इज द नेम ऑफ ए कंट्री, ओके, एंड स्पून भी कोई भी हो सकता है, तो ये सब कॉमन है एंड चाइना इज अ प्रॉपर। ओके, थर्ड इज ब्रेड, बटर, चीज, अमूल। सो इसमें ब्रेड भी कोई भी हो सकता है, बटर भी कोई भी हो सकता है, चीज भी कोई भी हो सकता है, बट अमूल, अमूल इज अ ब्रांड, अमूल एक ब्रांड है, वो नाम है ना किसी ब्रांड का, यस। फोर्थ इज ब्रेक, चॉकलेट, केक, मिल्क। सो ब्रेक मतलब कोई भी ब्रेक हो सकता है इसमें, चॉकलेट, चॉकलेट हमें ये तो ही ना बताया कि कौन सी चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है, किटकैट है, सब तो ही ना बताया। केक, केक भी नहीं बताया हमें कौन सा केक है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, ये नहीं बताया ना हमें। सो केक भी कोई भी हो सकता है। मिल्क, मिल्क तो एक ही होता है, मिल्क तो 10 टाइप्स के नहीं होते ना, सो मिल्क हियर। देन नेक्स्ट फिफ्थ इज बॉय, मुंबई, गर्ल, मैन। इसमें से क्या हो सकता है आपका, बॉय, बॉय मतलब कोई भी लड़का हो सकता है, यस। मुंबई, मुंबई मतलब, यस, मुंबई इज द नेम ऑफ अ स्टेट, स्टेट का नाम है, सो वी विल सर्कल मुंबई। गर्ल भी कोई भी हो सकती है, मैन भी कोई भी हो सकता है, सो ऑल दैट ये देखिए, बॉयज, बॉय, गर्ल, मैन, दे आर कॉमन नाउन एंड मुंबई इज अ प्रॉपर नाउन, सो वी हैव सर्कल्ड इट, राइट, यस। नेक्स्ट सिक्स इज डॉग, माउस, टॉमी, कैट। डॉग भी कोई भी हो सकता है, माउस भी कोई भी हो सकता है, टॉमी ये तो एक नेम है ना, यस, तो वे बस सर्कल टॉमी। एंड कैट, कैट भी कोई भी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट देन सेवेंथ इज एनी, चेयर, टेबल, बुक। तो इसमें चेयर भी कोई भी हो सकती है आपकी, टेबल भी कोई भी हो सकती है, ये तो इन्हें बोला है कि
व्हाइट चेयर, ब्लैक चेयर, तो ये पर्टिकुलर हो जाती है ना, बट जज इज नॉट सेट देयर, देन टेबल भी कोई भी हो सकती है, बुक भी, बुक का भी कोई नाम नहीं बोला है. एंड एनी, एनी इज अ नेम हियर, सो एनी इज अ प्रॉपर नाउन एंड इज नॉट अ कॉमन नाउन. ओके, यस. देन इट इज रेन, क्लाउड, रावी एंड ट्री. सो रेन ये हमारी कॉमन हो गई, क्लाउड कॉमन हो गया, ट्री कॉमन हो गया, रावी इज अ नेम, ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन. देन नाइंथ इज गार्डन, पार्क, इंडिया, मेडो. गार्डन कोई सा भी हो सकता है, पार्क भी कोई सा भी हो सकता है, मेडो भी कोई सा भी हो सकता है. मेडो मतलब क्या होता है, मेडो मतलब जो जहाँ पे बहुत सारी ग्रासेस होती है. इंडिया कंट्री का नाम है. ओके, सो वी विल सर्कल इट बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन नाउन, इट इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, यस. देन टेंथ वन, टेंथ क्या हमारा, नेल, स्क्रू, फिलिप्स, हैमर. नेल कोई भी हो सकती है, स्क्रू भी कोई भी हो सकता है, हैमर भी कोई भी हो सकता है. फिलिप्स, फिलिप्स इज अ कंपनी, फिलिप्स एक ब्रांड है, एक कंपनी है. सो इसको हम लोग सर्कल करेंगे क्योंकि इट इज अ नेम ऑफ ब्रांड. ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर एक्सरसाइज. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कॉल मी और यू कैन मैसेज मी. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू.